देखिए लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 17 तक कंप्लीट कर दिया था, आज सम नंबर 18, यानी कि अब ये डाइस का सम है। डाइस आता है स्नेक्स एंड लैडर्स आप खेलते हो, उसके अंदर डाइस आता है, तो उसको जो डालते हैं ना तो उसमें 1 to 6 नंबर होते हैं, राइट। उसको थ्रो करते हैं तो उसमें 1 to 6 नंबर में से कोई भी नंबर आता है, राइट। या टॉस करते हैं जो भी होते हैं, 18 नंबर। सपोज वी थ्रो अ वन डाइस, डाइस वंस, यानी वन टाइम उसको थ्रो करते हैं। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसके आउटकम्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले टोटल आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4, 5 and 6। उसके ऊपर 6 आउटकम्स होते हैं। Then next, what is the probability of getting number greater than 4? तो आप प्रॉबिलिटी फाइंड कीजिए नंबर ग्रेटर देन 4 के लिए। पहले तो यहां पर लिख देना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए टोटल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने नंबर हुए? 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। लेट इवेंट ए, भाई पहले उसके आउटकम्स लिखने थे, टोटल कितने वो लिख देते हैं। अब देखिए what is the probability of getting a number greater than 4? Getting a number greater than 4 what is the probability for getting a number greater than 4? 4 se jyada number of aise dekhiye, 4 se jyada matlab 2 hi hai, 5 and 6. So P of A equals to number of outcomes for number greater than 4 upon टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए नंबर ग्रेटर देन 4 आउटकम्स वाले दो ही नंबर है, यानी 2 एंड टोटल आउटकम 6। 2 वंस आर 2 एंड 2 थ्रीज आर 6, सो आंसर आएगा 1/3। ओके देन नेक्स्ट, इसी में सेकंड नंबर, वही जो फर्स्ट नंबर हमने कैलकुलेट किया था, अब इसी में सेकंड नंबर देखते हैं। पढ़िए ध्यान से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4? चलिए हम ऐसे क्या करेंगे, लेट इवेंट बी नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4। लेट इवेंट बी गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4। 4 या तो 4 से कम नंबर, यानी 4, 3, 2, 1। ओके सो पी ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर नंबर लेस देन और equals to 4 upon total number of outcomes। देखिए number less than or equals to 4 में 4 होगा और total outcomes के लिए 6, 2 2s and 2 3, so answer आएगा 2/3। आए समझ में? So इस तरह से find करना है। Then next देखिए अब इसमें question number, देखिए उसके बाद का 19 अभी नहीं करना, उसके बाद करना है 20। चलो पहले 20 देखते हैं, यानी पहले वन डाइस वाले करते हैं, उसके बाद में हम टू डाइस वाले करते हैं। देखो सम नंबर 20
or dies from ones. Find the probability of getting prime number. तो देखिए यहाँ पे पहले तो total of terms 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Then total number of outcomes are 6. अब उसमें first one. Let event A getting prime numbers. आपको जो प्राइम नंबर यानी जिसको डिवाइड हो सकता है वन तो प्राइम भी नहीं है कोई भी यानी वो तो क्या बोल सकते हैं उसको इक्वल रहता है यानी प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2, 3, and 5 सो पी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर प्राइम नंबर्स getting prime numbers upon total number of outcomes. देखिए, अब number of outcomes from first prime numbers 1, 2 and 3 and total 6. 1 by 2, 3 ones are 2 and 3 twos are 6. Second number, a number lying between 2 and 6. अब आप कर सकते हो, देखिए, 2 and 6 के बीच के 3, 4 and 5, 3 numbers आएंगे, so 3 by 6. बट आप लिखना उसमें लेट इवेंट बी गेटिंग नंबर बिटवीन 2 एंड 6 फिर लिखना है 3 4 एंड 5 फिर लिखना है पी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर गेटिंग नंबर बिटवीन 2 एंड 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 बाय 6 दैट इज 1 बाय 2 देन थर्ड एन ऑड नंबर क्या लेना है हमें ऑड नंबर ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे 1 3 एंड 5 उसका भी आंसर 3 बाय 6 एंड 1 बाय 2 ही रहेगा ओके देन नेक्स्ट सम नंबर 23 सॉरी अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज सिक्स फेस शोस द लेटर इन गिवन नियर देखिए अब वो जो डाई है ना उसके अंदर ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें उन्होंने ध्यान से सुना ऐसा डाई है जिसमें 1 2 3 4 5 नहीं लिखा हुआ है उसमें ऐसे लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एंड ए यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू 6 अब आगे देखिए द डाई इज थ्रोन वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए भाई 6 आई सेड 1 2 3 4 5 6 ऐसे लो लेट इवेंट ए getting getting A sorry E of A number of outcomes for getting A upon total number of outcomes भाई नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं भाई यहाँ पे ए वाले 1 एंड 2 देखिए 2 और टोटल कितने हैं 6 2 1 सा 2 एंड 2 3 सा 6 दैट इज 1 बाय 10 भाई जितने नंबर ऑफ आउटकम्स है उस तरह से कितने हैं यहाँ पे 2 है सो 2 बाय 6 यानी 1 बाय 10 देन नेक्स्ट उसी में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए और बी सेकंड नंबर डी तो डी तो वन टाइम ही है यानी उसका आंसर आएगा 1 बाय 6 आपको दूसरे सॉल्व करना है सेकंड नंबर आपको सॉल्व करना है आंसर क्या होगा 1 बाय 6 आंसर क्या होगा 1 बाय 6 ओके देन नेक्स्ट किया था 19 टू डेज
वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम. देखिए टू डाइस एक साथ में टॉस किए जाते हैं. राइट डाउन ऑल द पॉसिबल्स. देखिए ऑल द पॉसिबल्स आर वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स. ऐसे ही थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स. देन नेक्स्ट फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स. फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव एंड फाइव सिक्स. सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स सिक्स. यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप 36. देखिए कैसे फाइंड आउट को पता चला. फिर से उन्होंने ऐसा बताया कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड आउट कीजिए. तो हमने कैसा ऑल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड आउट किए, दोनों को टॉस करेंगे तो यह दोनों पे वन वन आ सकता है. एक पे वन और टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स. क्या तो फिर आगे टू आएगा फिर वन टू थ्री ऐसे चेंज करना है टू वन टू टू थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स. इसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं यानी फिर थ्री की लाइन फोर फाइव और सिक्स की लास्ट में सिक्स सिक्स. यानी टोटल 36 आउटकम्स आएंगे. अब उसमें क्वेश्चन आंसर है यानी वो देखिए देखिए. देन नेक्स्ट पढ़िए 19. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज ए. यानी लेट इवेंट ए सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ द डाइस इज ए. इज ए यानी दोनों डाइस के ऊपर का टोटल एट आना चाहिए वैसे मेंबर्स. चलिए पहले वैसे मेंबर्स देखते हैं. एट आया वैसे देखिए दोनों का टोटल करना है. इसका टोटल देखिए 1 प्लस 1 2 होगा 1 प्लस 2 3 होगा तो नहीं चलेगा. मुझे 8 चाहिए वैसे. 1 प्लस 6 7 नहीं चलेगा. देखिए 2 प्लस 6 यहां से स्टार्ट होगा 2 की लाइन 2 प्लस 6 8 3 प्लस 5 8 यानी 3 5 4 4 भाई ऐसे नंबर लिखने जिनका टोटल 8 होना चाहिए 5 3 एंड 6 2. Okay, now P of A, number of outcomes for sum of two numbers is A upon total number of outcomes. देखिए अब एक टोटल होता है वैसे कितने आउटकम्स है 1 2 3 4 5 5 by 36. आंसर क्या होगा 5 by 36. सेकंड नंबर पढ़िए उसमें 30. यानी ऐसे नंबर लिखते हैं जिसका टोटल 30 हो रहा है. देखिए सेकंड नंबर लेट इवेंट बी सम ऑफ two numbers is 13. ऐसे मेंबर जिनका टोटल 13 होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे मैं देखने जा रहा हूँ कि भाई ऐसे मेंबर जिसका टोटल 13 होना चाहिए तो लास्ट ही 6 प्लस 6 12 है. इससे आगे कोई है ही नहीं यानी 12 से आगे कोई टोटल हो ही नहीं रहा यानी ऐसा कोई मेंबर ही नहीं है. So P of P equals to number of outcomes for sum of two numbers is 30 upon
total number of outputs. So that is 0 upon 36. Answer will be 0. यानी ऐसे मेंबर जिनका टोटल कितना आ रहा है भाई 39 है ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है यानी 0 upon 36 दैट इज 0 बोलिए क्लियर देन नेक्स्ट इसी ये रहने देते थर्ड नंबर पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल्स टू वैल्यू देखिए लेट इवन सी सम ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन और इक्वल्स टू वैल्यू यानी 12 या तो 12 से कम आप देखोगे ना 12 या तो 12 से कम ये सभी आ जाएंगे यानी 36 अपॉन 36 आंसर होगा बात राइट 12 या तो 12 से कम सभी मेंबर्स आ जाएंगे सो 36 बाय 36 आंसर क्या हो जाएगा क्लियर हुआ उस तरह से करना अब यानी थर्ड नंबर आप कैलकुलेट कर दोगे हम मैं नेक्स्ट सम कर रहा हूं अब सम करते हैं भाई 21 क्योंकि 21 मैंने करवा दिया अब करते हैं 21 में भी पहले तो यही लिखना है पढ़िए रेफरेंस ऑफ एग्जांपल नंबर 24 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल सम ऑफ टू डेज यानी इसी के लिए सेम वही बात है यहां पे लिखना है भाई पहले फर्स्ट नंबर सम ऑफ टू डेज इज 2 2 के लिए उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी है बट हम सभी कैलकुलेट कर देंगे लेट इवेंट ए सम ऑफ टू डाइस इज टू तो देखिए टू टोटल होता है वैसे नंबर ए के आएगा वन एंड वन सो पी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर सम ऑफ टू डाइस इज टू अपॉन total number of outcomes sum of two dice is 2 तो वैसा एक ही मेंबर है n1 और total outcomes 36 आंसर हुआ 1 by 36 then second number 3 चलिए second number let even be sum of two dice is 3 यानी ऐसे नंबर्स जिसका टोटल 3 आ रहा है देखिए 1 2 1 plus 2 3 होगा और 2 1 यानी 1 2 and 2 1 सो p of b अब आप लिखना मैं नहीं लिख रहा हूं ये आप लिखना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वैसे कितने नंबर है 2 2 by 36 वैसे ही आ गया अब देखिए 4 के लिए यानी अब आपको करना है लेट इवन सी सम ऑफ टू डाइस इज 4 4 टोटल होते हैं वैसे कौन कौन से नंबर है 1 3 2 2 and 3 1 3 मेंबर हो गए यानी 3 by 36 वैसे ही आगे आप सबके लिए आप फाइंड करोगे आगे तो समझ में फिर उसी में क्वेश्चन नंबर 12 और स्टूडेंट्स आर्गुमेंट 3 देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स राइट 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 12 देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1 by 11 डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट नो क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ये तो सब सम की बात कर रहे हैं यानी सम ऑफ टू तो इन सब का टोटल करेंगे ये सभी 11 का तो सबके लिए प्रोबेबिलिटी 1 बाय 11 ऐसा पॉसिबल नहीं है सो नो सेकंड अब 22 नंबर को मैंने करवा दिया 22 नंबर करना है देखिए उसके लिए भी ये तो वही रखना है उसमें कोई फर्क नहीं करना है अब क्या देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 में बाकी के सभी आपको कंप्लीट करने हैं मैंने सम इज 2 और सम इज 3 वाला करवाया 4 5 6 सभी के लिए ऐसे मेंबर ढूंढने हैं जिनका टोटल 3 हो रहा है जिनका टोटल 4 हो रहा है जिनका टोटल 5 हो रहा है वैसे ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 उसके लिए भी ये टेबल तो कॉमन आपको बनाना ही है अब आगे और डायलिसिस प्रोवाइड प्राइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ये तो लिखना ही है हमें ना फर्स्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेट इट एट ए 5 will come up either 10 right यानी 5 एक भी बार आना नहीं चाहिए
5 will come on either time, यानी एक भी बार नहीं हो वैसा, 5 will not come up either time, will not come up either time, यानी 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, तो एक भी बार 5 नहीं है, ऐसे में बस यानी P of A, number of outcomes for 5 will not come up either time upon 5 will not come either times, यानि एक भी बार नहीं आना चाहिए, तो वैसे नंबर कौन सा होगा जिसमें एक भी बार नहीं आएगा वैसा? देखिए इसे तो आ रहा है ये, 1, 2, 3, 4, 5, ये नहीं आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये तो पूरा ही नहीं आएगा, 21, 22, 23, 24, 25, यानि 25 by 5. भाई जिसमें भी 1 टाइम या 2 टाइम 5 आ रहा है वैसा कोई भी नंबर नहीं ले रहा है, उसके बाकी के सब। नाउ सेकंड नंबर, लेट इवेंट बी, उसने क्या बताया, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस यानी एक बार फाइव आना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, एटलीस्ट वन दैट मींस वन और मोर देन वन, यानी वन टाइम फाइव हो वैसा भी और वन से ज्यादा हो वैसा भी। सो पी ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर 5 विल कम एटलीस्ट वंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो आपको लिखना है। अब देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 बार 36, ऐसे 11 मेंबर है जिसमें 5 वन टाइम या मोर देन वन टाइम। ओके चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। सो अब उसके बाद आएंगे हम सम नंबर 24, 23 हमने कर दिया था, अब 24 चलिए सम नंबर 24 सिंपल सम है आ जाएगा बस ये। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वंस ऑफ द अदर्स। देखिए यहां पे 1 टू 8 नंबर देखे हो गए, वो एरो घुमा दे ऐसे, वो चक्कर घुमा दे जिसमें एरो जहां पर भी आता है उसका नंबर लग जाता है वैसा, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And these are equal likely outcomes. What is the problem that it will point at 8? Yani I need the total number of outcomes. Equals to 8. 8 number hai uska total. Ab isme net event A. That it will point at 8. भाई 8 के ऊपर point है वैसा। So P of A equals to number of outcomes for A upon total number of outcomes. भाई 8 कितने टाइम्स? Only 1 time. So 1 by 8. Right? Then next, an odd number. चलिए odd number कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7. देखिए लिख रहा हूँ यहाँ पे second number. Let event B. It will point at odd numbers. So P of B equals to
नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर ऑड नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. देखिए नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स कौन कौन से है? 1, 3, 5, 7. देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7. कितने ऑड नंबर्स? 4. सो आंसर होगा 4 by 8. 1 by. Then next. A number greater than. यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है. A number less than 9. A number less than 9. यानी fourth number में देखिए ना, third number में देखना print नहीं हुआ. A number less than 9. 9 से कम तो ये सभी है ना. यानी आंसर आएगा 8 by 8. क्या आंसर हो जाएगा? 1. 8 by 8. आंसर क्या हो जाएगा? 1. Okay. वैसा सेम सम है सम नंबर 26 जो आपको होमवर्क में करना है. अभी मैं करवा रहा हूँ आपको सम नंबर 25. ओके तो इसमें इस तरह से पता चल गया ना, उन्होंने जो भी बताया उस तरह से आपको देख के लिखना है. जैसे नंबर सीरीज जो जो पॉइंट मैंने बीच में बाकी रखे आपको करने के लिए दिए वो आपको कंप्लीट करने ही है. सम नंबर 25. A box contains 90 discs. Discs for which are numbered 1 to 90. यानी 90 discs है जिसके ऊपर 90 नंबर लिखे हुए. So total number of discs 90. First, if one disc is drawn at random from the box, find the product that it bears a two digit number. Let it be K. It bears two digit number. It bears two digit number. यानी उसके ऊपर two digit number आया वैसा. तो यहाँ पे हम देखेंगे two digit number होता है start 9-10 से. 10, 11, 12 ऐसे करके 90 तक होंगे. सो POP इक्वल्स टू नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर डिस अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस. चलिए कितनी डिस्क है वैसे 10 से 90 तक करोगे ना कैलकुलेट तो 81 होगा. ध्यान से सुनिए 11 टू 90 यानी 81 ये 10 नंबर है. यानी 81 अपॉन 90 9 9 9 9 10. सेकंड नंबर लेट इवेंट बी. भाई ऐसा बता रहा है इसमें कि ऐसे नंबर में चाहिए 2 डिजिट नंबर की डिस्क निकलनी चाहिए. तो 2 डिजिट नंबर की डिस्क यानी 10 नंबर से 90 नंबर तक वैसे 81 डिस्क होगी. सो 81 अपॉन 90 दैट इज 9 अपॉन 10. देन नेक्स्ट उन्होंने जो बताया वो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. हां इट बीयर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. चलिए ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है पता है आपको 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, देन 16, 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, बस इतने तक आएगा. यानी अब आप बाकी जगह क्या करोगे? आप देखोगे लेट इवेंट बी नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्क दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 upon 90 यानी 1 upon 10. 9 upon 90 यानी
वन अपॉन टेन। चलिए अब इसी में थर्ड नंबर लेट इवेंट सी इट बियर्स भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया अ नंबर डिविजिबल बाय फाइव अ नंबर डिविजिबल बाय फाइव। चलिए फाइव से डिविजिबल नंबर है फाइव टेन फिफ्टी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी फिफ्टी फाइव सिक्सटी सिक्सटी फाइव सेवेंटी सेवेंटी फाइव एटी एटी फाइव एंड नाइनटी। क्यों नाइनटी है? बिकॉज नंबर डिस नाइनटी चलती है। अब इस ये नंबर्स कितने हुए भी देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन 18 by 90 यानी 1 by 5, okay? So यहाँ पर आप देखोगे let event C यानी P of C equals to number of disc divisible by 5 upon total number of disc यानी 18 by 90 1 by 5, okay? So आपको यहाँ तक complete करना है। अब ऐसे ही सब आपको homework में लिख देता हूँ, वो आपको करना है। homework याद रख लेना भाई 26 then 32 33 मैंने कल दे दिया था फिर 34 35 38 39 40 40 नंबर इसके जैसा ही है। ओके, कितने तक के आपको होमवर्क में करने हैं? ओके, जो भी डाउट होगा मुझे बताना है। दूसरा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।